आज मूवी स्ट्राइक प्रस्तुत कर रहा है ब्लड ड्रेन। मूवी के डायरेक्टर है डाई सियोंग किम और आईएमडीबी रेटिंग 6.6 है। प्यारे सब्सक्राइबर संप्रिया चौधरी के रिक्वेस्ट पे आज की ये मूवी है। सो फ्रेंड्स, एंजॉय द स्टोरी। एक लड़की जंगल के रास्ते से भाग रही है। वो डरी हुई है, सहमी हुई है। आगे रास्ता खत्म हो चुका है, बस है तो कई फीट नीचे गहरा समंदर। वो पकड़ी नहीं जा सकती, बस अब एक ही रास्ता है और वो नीचे कूद गई। योसन साम्राज्य, सन 1808, एक छोटा सा डोंगवा द्वीप। क्षेत्रफल में भले ही ये द्वीप छोटा सा है, लेकिन धन संपत्ति के मामले में कई बड़े बड़ों को टक्कर दे सकता है, क्योंकि यहाँ बनती है सबसे सर्वश्रेष्ठ कोटि के कागज, जो चीन के राजा को भेजी जाती है, जिनके उन्हें मोटे मोटे रुपए मिलते हैं। इस गांव के लगभग सभी आदमी इसी कागज बनाने के कारखाने में काम करते हैं। अब यहाँ एक ओझा अमन शांति की पूजा कर रही है। गांव के मुखिया का बेटा किम ने कारखाने के संचालक से पूछा, उस खोए हुए कारीगर ली का कुछ पता चला कि नहीं? मुझे डर है कहीं उसने हमारे कागज बनाने के राज को ना चुरा लिया हो। जितना जल्दी हो सके उसे ढूंढ कर मेरे पास ले आओ। पूजा का कार्यक्रम शुरू हुआ, तभी नशे में धुत एक मजदूर हाक्सू कारखाने के देखरेख करता डोकी से और पैसे मांगने लगा। मना करने पे उसने कहा, तो तुम लोगों के राज बताने में भी मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिर डोकी ने उसे आज रात पूजा खत्म होने के बाद मिलने को कहा। रात हो आई, मुखिया समेत पूरा गांव पूजा में सम्मिलित है। पूजा करते करते ओझा ने दूर समंदर में कुछ देखा। उसकी आंखों में खौफ है और नीचे जमीन में गिर पड़ी। जब गांव के लोगों ने उसे जगाने की कोशिश की तो वो बिल्कुल बदली सी लगी। मुखिया के पास खड़ी हो गई और उसे घूर कर बोली, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर तुम शांति से कैसे रह सकते हो? तुम सबका खून बहेगा, ये धरती लहूलुहान होगी, फिर से सड़ोगे तुम। उसके बाद ही ओझा के मुंह से खून निकलने लगा। मुखिया के मुंह से निकला, अधिकारी कांग। तभी एक औरत चिल्लाते हुए बोली, अनर्थ हो गया। कल सुबह रवाना होने वाले उनकी नाव पे आग लग गई, सारे के सारे कागज राख बनते जा रहे हैं। किनारे पे मछलियां मरी पड़ी हैं, आंखों के सामने वो बर्बादी देख रहे हैं। आखिर क्या हो रहा है ये सब? अब रात के हुए हादसे की छानबीन करने सुबह दरोगा वोन आया है और आते ही उसने किसी को भी ये द्वीप छोड़कर जाने से मना किया। पहला दिन वहां पहुंचते ही दरोगा वोन ने एक लाश देखी जो आज सुबह ही मिली है। ये वही शराबी वाला आदमी हाक्सो है जो कल पैसे मांग रहा था। उसके शरीर से एक भाला आर पार हो रखा है। वोन ने लाश की निरीक्षण किया और कहा, पहले इसे मारा गया और फिर भाला चुभाया गया है। लगता है किसी की इससे बड़ी दुश्मनी थी। पिछली रात संचालक जो और हाक्सो की थोड़ी कहा सुनी हुई थी तो पहले उसी को पकड़ा गया, लेकिन लोगों ने उसके हक में कहा कि वो सारी रात हमारे साथ थे। फिर बाद में पता चला कि स्थानीय दवाखाने से दरअसल डोकी ने एक खास जड़ी बूटी ली थी जो एक तरह की दवा है, मगर उसके जड़ जहरीले होते हैं और मौत का कारण भी वही जहर है, जिसके बाद डोकी को कैद कर लिया गया। अब यहाँ रात में दरोगा वोन, उसके साथ आई प्रधान और किम साथ बैठे हैं। प्रधान ने किम को बताया, ये वोन मशहूर बड़े दरोगा जीसांग का बेटा है। किम बोला, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके बेटे से मिल पा रहा हूँ। वोन ने लोगों से पूछा, नाव में पहले किस तरफ से आग लगना शुरू हुआ था? औरत ने वो जगह दिखाई जहाँ एक टूटा हुआ चीना मिट्टी का दिया पड़ा मिला। फिर उसने पूछा, आग का रंग क्या था? लोगों ने कहा, नीला। अब वो स्थानीय अफसर जांग के साथ कागज कारखाने आया है। बड़ी मात्रा में कागज बनाने का काम जारी है, क्योंकि जो माल जल गए हैं उन्हें फिर से बनाकर चीन के राजा को भेजना होगा। तभी दरोगा वोन पर हमला हुआ, पर वो बच गया।
संचालक जो से पूछने पे पता चला कि इस हमले में जो भी चीजें मिली है वो इस कारखाने की नहीं है। अब यहाँ रात में वही अफसर जांग जेल में कैद डोकी के पास आया। तुम्हें हाकसू को भाला भोंकने की क्या जरूरत आ पड़ी थी? वो मैंने नहीं किया, मैंने तो बस उसे जहर दिया था, डोकी बोला। कांग आ चुका है, खून की बारिश हुई है, ये कहते हुए मैंने सुना है। मुझे यहाँ से जल्दी निकालो, मुझे इस जगह नहीं रहना, अफसर जांग बोला। कल तुम्हारा बड़े जेल में तबादला किया जा रहा है, मैं बीच में ही तुम्हें बाहर निकाल लूँगा, लेकिन हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, अपना मुंह मत खोलना। वापसी में अफसर जांग को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब आँख खुली तो उसने खुद को उल्टा लटका पाया, जिसके ठीक नीचे खौलता हुआ रंग का पानी है। रस्सी नीचे जाती जा रही है और वो मदद के लिए चिल्ला रहा है, कोई नहीं आया और उस खौलते हुए पानी में तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। इधर पूरे टापू के कुएं के पानी में एक गंदी सी बदबू आने लगी है। अब दरोगा वोन को कल रात हुए अफसर जांग की मौत की खबर दी गई, डोकी से पूछताछ की गई, क्योंकि कल रात अफसर जांग उससे मिलने गया था। अंत में डोकी ने बताना शुरू किया, यहाँ हुआंग नाम का आदमी रहता था, जिसे ईसाई धर्म अपनाने के गद्दारी में फांसी की सजा दी गई थी। उसकी मरने के बाद किसी 5 गुप्तचर ने अधिकारी कांग के खिलाफ गवाही दी कि उसने भी हुआंग के साथ साथ ईसाई धर्म अपनाया है और उसे पैसे से मदद भी की है, और दूसरा धर्म अपनाना चीन के राजा के खिलाफ बगावत हुई। दूसरों के सामने उदाहरण रखने के लिए जांचकर्ता ने हर एक दिन परिवार के एक सदस्य को मौत दी। 5 दिन में 5 सदस्य को 5 अलग अलग तरीके से मारा गया। पहले उसके 5 साल के छोटे बेटे को भाले से, उसकी बेटी को खौलते पानी में डुबाकर, उसकी पत्नी को दम घुटाकर, उसकी बूढ़ी माँ का सर पीटकर, और 5वें दिन बारी आई कांग की, उसके सारे अंगों को उसके शरीर से अलग कर दिया गया। वोन बोला, इसका मतलब कातिल कांग की मौत का बदला ले रहा है, उन 5 गुप्तचरों को उसी तरह मारकर। तभी वोन ने कहा, क्या तुम भी उन्हीं में से एक हो? वो कुछ नहीं बोला, लेकिन घबराहट उसके चेहरे पे साफ दिख रही, क्योंकि अब शायद उसकी बारी है। वोन ने अपने आदमी से डोकी पे नज़र रखने को कहा, अगर वो सच बोल रहा है तो कातिल उसे भी मारने ज़रूर आएगा। अब यहाँ वोन कांग के हिसाब खाते की जांच कर रहा है, जिसमें उसने काफ़ी लोगों को कम ब्याज पे उधार दिए हैं, लेकिन उसके देशद्रोह घोषित करने के साथ ही सारे लोगों के उधार माफ़ कर दिए गए। कांग इस कारखाने का मालिक था। उसके मरने के बाद मुखिया संग, जो 20% का हिस्सेदार था, कारखाने का मालिक बन गया। लेकिन अजीब बात यह है कि बिना उसे चीन के दरबार में पेशी कर, उसे बिना सफाई का मौका दिए, उसे और उसके पूरे परिवार को सजा क्यों दी गई? और जिस जल्दबाजी में सजा दी गई, ऐसा लगता है कांग बेकसूर था, उस पर झूठे आरोप लगाए गए थे। और अब जो जो कांग की मौत के पीछे है, उन लोगों को ठीक उसी तरह मारा जा रहा है। पहली मौत भाला चुभाकर, जैसे कांग के बेटे को मारा गया, दूसरी मौत खौलते पानी में, जैसे उसकी बेटी को मारा। इसका मतलब 3 मौतें और होनी बाकी है। वोन अब गांव के मुखिया से मिलना चाहता है, लेकिन किम ने मना करते हुए कहा, उस हादसे के बाद पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, ठीक होने तक का इंतज़ार करें। दरोगा वोन के पास एक एक दिन कम होता जा रहा और एक एक मौतें होती जा रही है। वोन ने अब कांग के वफादार नौकर दोहू को पूछताछ करने बुलाया। दोहू 7 साल का अनाथ था, तब कांग ने उसे पनाह दी, तब से वो उनके यहाँ काम करने लगा, उसे चित्रकला सिखाई, उसे काबिल बनाया। अभी वो उनके घर में रहता है और उसने हाल फिलहाल में ही अपने मालिक की तस्वीर भी बनाई है। दोहू भी वो उनके शक के घेरे में है, इसीलिए वो बाकी गांव वालों से उसके बारे में पूछताछ करता है। अब यहाँ रात में दूर जंगल में छुपा वोन अपने आदमियों के साथ जेल में कैद डोकी पे नज़र रखे हुए हैं, लेकिन कातिल उनसे एक कदम आगे है। उसने पहले डोकी को जेल की खिड़की तक लाया,
और फिर उसके सर पे कुल्हाड़ी से वार कर उसका दम घोट कर मार डाला और वोन को भनक तक नहीं पड़ी। उनके नाक के नीचे से एक और खून हो गया, जिससे प्रधान वोन पे बहुत ही गुस्सा है, क्योंकि अब गांव वालों को भी लगने लगा है कि कांग की आत्मा ही ये सब कर रही है, जो कि प्रधान के लिए शर्मनाक बात है। वोन ने कहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैंने जहाँ तक खोजबीन की है कुछ हासिल नहीं हुआ। बस आप मुझे एक बार मुखिया किम को पूछताछ करने की इजाज़त दे दें, क्योंकि वो भी तो संदेह के घेरे में है। प्रधान बोला, बिना सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते, वो एक ऊंचे दर्जे के अफसर रह चुके हैं। फिर वोन बोला, ठीक है तो आप मुझे इजाज़त दे, मैं अपने आदमियों को मुख्य दरबार भेजना चाहता हूँ, ताकि 7 साल पहले जो यहाँ हुआ था उस समय जांचकर्ता और गुप्तचर कौन थे उनके नाम पता चल सके। चौथा दिन वोन बाहर जमी भीड़ देख रहा है, जहाँ मजदूरों को लाठी से पीटा जा रहा, क्योंकि उन्होंने कारखाना जाने से मना कर दिया। वो सारे कांग की आत्मा से इतने ही खौफ ज़्यादा है। जब वोन ने आकर रोका तो पीछे से मुखिया का बेटा किम ने कहा, ये आदेश मैंने दिया है, अगर ये इसी तरह काम पे नहीं जाएंगे तो हम कभी वक्त पे माल चीन के राजा तक नहीं पहुंचा पाएंगे, इसीलिए मेरे काम में आप दखलंदाजी ना दे तो अच्छा है। अब वोन और किम साथ बैठे हैं, जहां किम ने उसे कुछ तंत्र मंत्र के कागज़ दिखाए, जिसे लोगों ने पूरे कारखाने में लगा रखा है कांग के भूत को भगाने के लिए। वही कागज़ लेकर वो उसी ओझा के पास गया। ओझा बोली, तुम विश्वास करो या ना करो, लेकिन उसकी आत्मा सच में अपना बदला लेने आई है। तभी यहाँ के पानी और हवाओं में खून की बदबू है, जो तुम भी महसूस कर रहे हो। वोन ने कहा, तो फिर वो आत्मा 7 साल बाद क्यों अपना बदला लेने आया है? फिर से वो बोली, इस बार चेतावनी से ज़्यादा कुछ होगा, क्योंकि मैंने उस रात चट्टान के पास बिजली का गिरना देखा था। उस दिन से मुझे टोनी की आवाज़ें आती हैं। वोन को यह बात खटकी और फौरन उसने चट्टान के उस तरफ पूरे आदमी को छानबीन में लगा दिया, क्योंकि उसी दिन ही कर्मचारी ली लापता हुआ था, जिसकी खोजबीन करने को किम ने संचालक जो से कहा था। जिस रोशनी को ओझा ने बिजली समझा, वो दरअसल बंदूक से चली गोली की रोशनी थी। जैसा वोन ने अनुमान लगाया, उन्हें चट्टान के पास एक लाश मिली, लेकिन लाश किसी लड़के की नहीं, लड़की की है, जिसके सर पर गोली के निशान हैं और सीने से लगाए एक पोटली। संचालक जो ने कहा, ये तो ली का सामान है, वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था, न मिलता था। लाश के पास से लकवा मारने का पाउडर मिला, जिसे बहुत ही संभाल कर रखा है, शायद उसका भी किसी को मारने का मकसद था। एक कपड़ा मिला, जो उस जमाने में प्रेम पत्र के तौर पे अपने प्रेमी को दिया जाता है, उसमें खुदे अक्षर बस वही समझ सकता है जिसके लिए वो है। लेकिन अब जो वोन ने बात कही, जिसने सभी को चौंका दिया, उसने कहा, ये कांग की बेटी सियोन है, क्योंकि ऐसा ही पिन मैंने दोहू के बनाए सियोन की तस्वीर में देखा था। वैद्य ने, लेकिन कांग के पूरे परिवार के सदस्य तो 7 साल पहले ही मारे गए। वोन बोला, शायद उसी आदमी ने उसे किसी तरह बचा लिया होगा, जिसके लिए ये प्रेम पत्र है। वो उसके लिए यहाँ वापस आई और काम करने लगी, लेकिन किसी तरह गुप्तचर को उसका पता चल गया और वो मारी गई। उसका प्रेमी ही ये सारे खून कर अपने प्यार का बदला ले रहा है। प्रधान ने कहा, अभी जाकर दोहू को हिरासत में लो और उस बंदूक को ढूंढो जिससे खून हुआ है। लेकिन जब गए तो देखा दोहू घर पर नहीं है। अब इधर संचालक जो उस बंदूक को छुपाने पहुंचा, लेकिन बंदूक तो गायब है। तभी अपना सामान लेकर वो भागने लगा, लेकिन तैनात वोन के आदमियों ने उसे पकड़ लिया। अब उसे बंदी बना लिया गया। वोन ने बोला, तुम्हें डर था कि सबको कांग की बेगुनाही का पता चल जाएगा, इसीलिए उसकी बेटी को मार डाला। संचालक जो ने कहा, वो बंदूक कुछ दिन पहले ही मुझसे खो गई, और कबूल किया कि वो उन 5 गुप्तचरों में से एक है, लेकिन कांग की बेटी को मैंने नहीं मारा, कांग की बेटी ही ली है, ये भी मुझे पता नहीं था। मुझे बस उन्हें बंदूक देने को कहा गया था। और फिर वो 5वें और अंतिम गुप्तचर का नाम बताने ही वाला था कि तभी उसके सीने से एक तीर आर पार हो गया। कांग की बूढ़ी माँ की तरह
उसका भी अंत हुआ। तुरंत वॉन ने कातिल का पीछा किया, लेकिन उसने गोली चला दी और वॉन नीचे गिर के बेहोश हो गया। जब उसे होश आया, वो उसी ओझा के घर में है। अब आखिरी और पांचवें खून को किसी भी हाल में रोकना ही होगा। गांव भर के जितने भी जानवर हैं, उन्हें वॉन ने जब्त करने का आदेश दिया, क्योंकि इस खून को करने के लिए कातिल को घोड़े या गाय की जरूरत पड़ेगी। अब तभी सच्चाई का खुलासा हो पाएगा जब वॉन का भेजा आदमी मुख्य दरबार से 7 साल पहले हुए हादसे की खबर लेकर पहुंचेगा। पांचवां दिन, मेज पर रखी हादसे की अब तक की सारी चीजें देख अचानक वॉन के दिमाग में आग लगने की गुत्थी सुलझ गई। कुछ ऐसा हुआ होगा। उस दिन माल की पेटी चढ़ाते वक्त किसी एक पेटी के अंदर जलता हुआ दिया भी रखा गया था। उस दिए को ऐसे रखा गया कि शुरुआत में वो दिया भारी होने के कारण नीचे था, लेकिन धीरे धीरे जलते दिए का तेल खत्म होने लगा और दिया हल्का होकर ऊपर की तरफ आ गया, जहां पहले से एक और दिए की बाती को लगाया गया था ताकि दिए के ऊपर होते ही वो बाती जल उठे, और इस तरह एक बाती से पूरे जहाज में आग लग गई। बिना एक पल भी गवाए वॉन मुखिया के पास गया। कांग की मौत से सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को तो हुआ है। बहुत मुश्किल से वो मिलने को तैयार हुए। मुखिया ने बताया, मंत्री हुआंग की मदद से ही ये कारखाना चल रहा था। कांग और हुआंग की अच्छी दोस्ती थी, लेकिन एक नीची जाति का इंसान हम जैसे ऊंचे पंडित लोगों के साथ उठ बैठ रहा, साथ खाना खा रहा, क्या ये पाप नहीं है? फिर एक दिन मंत्री हुआंग के दुश्मनों ने राजा को खबर दी कि उसने ईसाई धर्म अपनाया है और उसे सजाए मौत दी गई। उसके बाद इस पूरे गांव में खतरा मंडराने लगा। कौन कौन ईसाई धर्म से जुड़ा है? चीन के राजा की तलवार सब पर लटकी थी। उन्हें गुमराह करके अपनी अपनी जान बचाने के लिए सबने मिलकर कांग का नाम सामने कर दिया। वैसे भी वो नीच कुल का था और हमसे बराबरी कर रहा था। ऊंचे लोगों की आंखों में अखड़ता था। जिन नीचे लोगों को उसने कम ब्याज में पैसे दिए थे, वो भी कन्नी काटने लगे, क्योंकि कांग पे देशद्रोह का आरोप लगते ही उनका लिया गया कर्ज माफ हो गया। मुखिया ने कबूल किया कि गुप्तचर उसके पास उसकी अनुमति लेने आए थे ताकि वो कांग पे झूठे इल्ज़ाम लगा सके, जो आसानी से साबित भी हो गए क्योंकि वो हवांग के करीब था। लेकिन मैं गुप्तचर नहीं हूँ, इतना कहकर वो चुप हो गया। अब वॉन का भेजा आदमी मुख्य दरबार से वापस आया है। उसने बताया, गुप्तचर से संबंधित सारे कागज गायब है, लेकिन उस जांचकर्ता का पता चला है। जांचकर्ता को मरे हुए 5 साल हो चुके हैं, जो कि और कोई नहीं दरोगा वॉन का ही पिता है, जिसके लिए उसे पुरस्कार से नवाजा गया और ऊंचा पद भी दिया गया था। वॉन के कानों ने क्या सुन लिया? जिस पिता के नक्शे कदम पर चलकर उसने भी ये पेशा चुना, उन्होंने इतना बड़ा अपराध किया, उसके पिता की वजह से बेगुनाह लोगों का खून बहा। यहाँ तक कि जब उसे घसीटते हुए ले जाया जा रहा था, गांव के किसी एक आदमी ने उसका साथ नहीं दिया, जबकि उसने सबकी मदद की थी। उसी वक्त कांग के अंदर बची खुची जो जान थी, वो इन लोगों ने मौन रहकर ले ली। मरते मरते कांग बोला, तुम सब ने मेरी मौत को देखा है, मैं वापस आऊँगा और उस दिन मेरे इस बहे खून की बारिश होगी, ये धरती लहूलुहान होगी। होश संभालते ही वॉन ने एक एक पहलू पर ध्यान दिया। नाव में आग लगने से लेकर चारों खून सटीक मापदंड से किया गया है। ये कोई पढ़ा लिखा आदमी ही कर सकता है जिसकी गणित भी अच्छी हो, जिस इंसान का किसी भी वक्त कारखाने आने और जाने में कोई रोक टोक ना हो। अब तक उसका ध्यान कर्मचारियों पर था, लेकिन अब जाकर उसने कातिल को ढूंढ निकाला और वो कोई नहीं, मुखिया का बेटा किम है। यहाँ किम दोहू को मारने की तैयारी कर रहा। दोहू भी सोयोन को पसंद करने लगा था। एक दिन उसने सोयोन को डूबने से बचाया, मगर जब कांग वहाँ आया, उसने दोनों को जिस हालत में देखा, वो उसे गलत समझ बैठा। उसने दोहू को बहुत बुरा भला कहा, उसे जेल में भर दिया, जिससे दोहू के मन में उसी दिन कांग के लिए नफरत पैदा हो गई। वही पांचवा और आखिरी गुप्तचर है। उस दिन सोयोन को मुखिया के बेटे किम ने बचाया था और इतने दिनों तक लड़के के भेष में ली बनाकर रखा।
उसी कारखाने में ही काम दिलाया, पर वो किम के साथ हमेशा के लिए यहाँ से दूर चले जाना चाहती थी। लेकिन किम को समंदर से डर लगता है, ऐसा डर कि उसकी जान भी जा सकती है। उसने उस रात सोयून को हमेशा के लिए चले जाने को कहा, क्योंकि उसका राज कभी भी खुल सकता है और वो उसे खो नहीं सकता। इधर दोहू ने उन दोनों को साथ देख लिया और गुप्तचरों को ये बात बता दी। टापू छोड़ने से पहले ही सोयून की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वही अंधेरे में खड़ा किम कुछ नहीं कर सका, इसीलिए उसने सारे गुप्तचरों को मारकर अपने प्यार के खून का बदला लिया। वोन कारखाने पहुंचा, जहां दोहू के हाथ पैर बंधे हुए हैं। वोन ने कहा, मैं मानता हूं जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन इस तरह लोगों को मारना ये कोई हल नहीं। कानूनी कार्यवाही होगी और उसे सजा दी जाएगी। किम बोला, पता है तुम्हें यहाँ कौन लाया है? कांग की आत्मा। वो तुम्हें यहाँ खींच लाई है ताकि तुम देखो तुम्हारे पिता ने किस तरह अपने फायदे के लिए मासूम लोगों की हत्या की। बाप खूनी और उसका बेटा न्याय करने चला है। ये कारखाना कांग के खून पसीने से बना है, जिसे मेरे पिता ने षड्यंत्र कर हत्या लिया। पहले मैं इसे मारूंगा और फिर इस पूरे कारखाने को आग लगाऊंगा। खाक बनकर जब मिट्टी में मिलेगी, तभी कांग को उसकी जागीर वापस मिलेगी। किम पीछे मुड़कर रस्सी खोलने ही जा रहा था कि वोन ने उस पर गोली चला दी। दोहू को बचा लिया गया, लेकिन बाहर गांव वालों की भीड़ जमी है और वो दोहू की मौत चाहते हैं, तभी कांग की आत्मा मुक्त हो पाएगी। लोगों ने दोहू पे अपना रोष निकाला। थोड़ी देर में खून की बारिश होने लगी, लोगों के मुंह से खून निकलने लगा, वो मरने लगे। फोन खड़ा बस देखता रह गया। इधर मुखिया ने भी खुदकुशी कर ली। कांग ने अपने साथ हुए नाइंसाफी का बदला ले लिया। अब वो चैन की नींद सो सकेगा।